चलिए दोस्तों, मैं एक मिड ऑर्डिनेट पर एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो स्टूडेंट लोग का डाउट था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी ये सब मेंटेन रहते हैं, जो चेन एज और ऑफसेट डिस्टेंस मेंटेन रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 से 30, 30 से 90, 90 से 60, 60 से मतलब ये 30-30 का गैप है। तो यहाँ पे D 10 हो जाता है, D 30 हो जाता है, ठीक। तो D 30 क्यों हुआ, देखिए तो सबका 30 डिफरेंस है, इसी को हम 30 होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, अब चेन एज ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब चेन एज दिया हुआ है और ऑफसेट लेंथ दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए H1 निकालने के लिए 0 + 2.65, ठीक है, मतलब वहाँ पे और बटा 2, तो सबका एवरेज निकाल लेते हैं। देखिए तो 0.265/2, ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि इसको यहाँ पे देखिए, तो इसको प्लस इसको करेंगे तो इसका ऑर्डिनेट निकलेगा, ठीक है, H1, फिर इसको इसको फिर जोड़ेंगे तो H2 निकलेगा, इसको जोड़ कर 2 से डिवाइड करेंगे, इसको जोड़ कर 3। तो इसी प्रकार मैंने ये H1 निकाला, देख लीजिए, H2 निकाले, H3 निकाला, H4 निकाला, H5 निकाला, H6 निकाला, H7 निकाला। तो हम और सबको जोड़ते हैं, सम ऑफ ऑर्डिनेट करने का मतलब कि सब ऑर्डिनेट करने मतलब कि H1 + H2 + H3 + H4 + H5, मैंने सारा को जोड़ दिया, ठीक। और जोड़ के हमको जब टोटल एरिया निकालना है, सम ऑफ ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट का सम करने का मतलब कि H1 + H2 + H3 + H4 + H5 + H6 + H7 का वैल्यू हम सारे को जोड़े हैं, तो मेरा रिजल्ट लास्टली आया 26.35 मीटर, ठीक। तो ये टोटल सम ऑफ ऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, सम ऑफ ऑर्डिनेट में हम डी से गुना करेंगे, डी यहाँ पे क्या है, तो 30, 30 कैसे ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ठीक। तो वही हो गया 26.35 × 30, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर हुआ दोस्तों। अगर समझ में आए तो फिर, और बोलिएगा कुछ डाउट हो तो फिर हम आप लोग के डाउट को हम क्लियर करेंगे।